हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा। ये देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना बढ़िया दिख रहा है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सबसे पहले एक बड़ी बोल में हम लगभग 1 कप बेसन लेंगे। बेसन को एक बार विस्कर से बिल्कुल बढ़िया से ऐसे चला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रह जाए। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। सॉल्ट ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और दरदरा पीसा हुआ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे पकौड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसको मिक्सचर में भी पीस सकते हैं। आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च के साथ अदरक का पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इसे एक बार बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले पूरे बेसन में बिल्कुल इक्वली मिक्स हो जाएं। इसे मिक्स होने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम बैटर बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करेंगे और एक विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे। हम इसे विस्कर से मिक्स कर रहे हैं। आप चाहें तो स्पून या फॉर्क की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हुए वाटर ऐड करके इसको ऐसे मिक्स करेंगे। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना हो, गाढ़ा हो बट फ्लोइंग हो। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते रहने से इसमें कोई लम्स नहीं पड़ते और बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ये देखिए अब एक बार हम इसको बिल्कुल बढ़िया से चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इससे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसे बिल्कुल बढ़िया से ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कटहल को पीसेस में कट कर लेंगे। हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। हमने इसको ऐसा कट किया है और स्लाइसेस हल्की सी पतली रखी है। हम इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, नहीं तो इसको कुक करने में ज़्यादा टाइम्स लग सकती हैं। अब हम कटहल के पीसेस लेंगे और इसे बेसन में ऐसे रैप करते हुए निकालेंगे। ऐसे ही हमें पकौड़े बनाने हैं। और एक कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। जब बैटर बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई होने लगे तब तेल बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो गया है। अभी हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। एक एक करते हुए बैटर में ऐसे लपेटते हुए कटहल को ऐड करेंगे। हमने बैटर को बहुत पतला भी नहीं रखा है और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखा है। हमने बैटर को हल्का सा फ्लोइंग रखा है। अगर हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तब पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे और अगर इसे बहुत पतला कर देंगे तब ये कटहल से अलग हो जाएंगे। हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अक्सर हम सारे पकौड़े हाई फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं, पर कटहल के पकौड़े को हम लो या मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, नहीं तो कटहल कच्चे रह जाएंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद बीच बीच में हम इसको पलटते भी रहेंगे और बीच बीच में लो से मीडियम भी कर देंगे फ्लेम को और बीच बीच में लगातार चलाते हुए बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करेंगे और जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। हमने चैनल पे बहुत सारे पकौड़े, कटलेट्स, स्नैक्स की रेसिपी शेयर की हुई हैं। आप उन्हें भी ट्राई करें कि देखिए कितना क्रिस्पी दिख रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी है। जब इसका कलर कुछ ऐसा हो जाए और बिल्कुल क्रिस्पी लगने लगे तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे हम तेल से बाहर निकालेंगे। इसे फ्राई होने में 7 से 10 मिनट लग सकते हैं। इससे कम भी लग सकता है और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। हम इसे लो या मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब इसे सर्व करेंगे। ऐसे ही पूरा फ्राई कर लेंगे। हमने इसके साथ रेड चिली सॉस सर्व किया है। आप इसके साथ कोई भी चटनी या सॉसेस सर्व कर सकते हैं या आप इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।